काम आया ऐप से अब आप पा सकते हैं मनपसंद जॉब। हरियाणा में एक गैर सरकार संस्था ने कुशल अकुशल श्रमिकों के लिए लॉन्च किया काम आया ऐप। बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जगलान ने इस ऐप को लॉन्च किया। ये वही हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया था, जो कि एक बेहद सफल अभियान रहा था। सुनील जगलान की माने तो इस ऐप में एनरोल करने के बाद अपना परिचय विवरण ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐप टीम के तकनीकी प्रमुख सिद्धार्थ भाटिया के अनुसार शुरुआत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कार्य किया जाएगा। ये ऐप कर्मचारियों के लिए बहुत आसान है, उन्हें बस उस ऐप पर खुद को एनरोल करना होगा जो निःशुल्क है, और फिर उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार हिंदी या इंग्लिश में ओपनिंग सर्च करनी है। एक बार नामांकित होने के बाद नौकरी खोजनी और अपने किए गए कार्यों का वीडियो ऑडियो डाल देना है। इन सब सुविधाओं के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये ऐप अपनी तरह का अनूठा ब्लू कॉलर जॉब ओरिएंटेड यूजर फ्रेंडली ऐप है, जो देश के असली आर्किटेक्ट्स के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझता है। एमएसएमई स्पेशल, 11 लाख कारोबारियों ने उठाया सरकारी योजना का लाभ। कोरोना और लॉकडाउन ने अच्छे से अच्छे व्यापार की कमर तोड़ दी, मगर इसके बावजूद एमएसएमई सेक्टर ने काफी दम दिखाया है। लाखों कारोबारियों ने खुद को रजिस्टर कराया। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की थी, जिससे बिना कागजी कार्रवाई के रजिस्ट्रेशन का काम जल्दी होता है। सरकार ने उद्यम पोर्टल शुरू किया था, जिस पर केवल 4 महीने में 11 लाख से भी ज्यादा कारोबार ने रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि ये पोर्टल जुलाई में लॉन्च किया गया था। एक और अच्छी बात यह है कि 3 महीने में एमएसएमई की यूनिट्स ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी भी दी है। यदि आप भी अपने छोटे से बिजनेस में सरकारी योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आप भी इस पोर्टल पर अपना बिजनेस रजिस्टर करा सकते हैं। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कई रिफॉर्म और लोन स्कीम शुरू की है। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद बिना गारंटी वाला लोन मिल सकता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत रजिस्टर्ड छोटे और मध्यम उद्यमों को पेटेंट रजिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए भारी सब्सिडी मिलती है। रजिस्टर्ड उद्यम को क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम के तहत ओवरड्राफ्ट का भी लाभ मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट की लिमिट अलग अलग बैंकों में कम ज्यादा होती रहती है। जानिए इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या लाभ हो सकता है। बिजली बिल में छूट मिलेगी। नए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत पंजीकृत छोटे व्यवसायों को बिजली के बिलों पर रियायत भी मिल सकती है। सूक्ष्म छोटे और मध्यम कारोबारी सरकारी ठेकों की बोली में हिस्सा ले सकते हैं। सरकारी निविदाओं के लिए आवेदन करते समय आसानी से छूट का लाभ मिल सकता है। सरकार किसी लायबिलिटी को कम करने या खत्म करने में कंपनी की मदद करती है। टैक्स से राहत, रेट घटाने या वस्तुओं के किसी हिस्से पर टैक्स से राहत प्रदान करना शामिल है। प्रमोशन में मदद, भारत सरकार इंटरनेशनल फेयर में भाग लेने के लिए उद्यम पर रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, उद्यमी कंपनी और मौजूदा छोटे मध्यम व्यवसायों को प्रोत्साहित करती है, जहां वे अपने प्रोडक्ट और सेवाओं का प्रमोशन कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से की जाने वाली एक बड़ी सहायता है, जिसे छोटे उद्यमियों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।